हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा लेआउट के बारे में। कुछ बेसिक्स काफ़ी पूछ रहे थे मुझसे कि बुर्जी बताइए, बुर्जी के बारे में क्या है, बुर्जी क्या होता है, कॉलम का स्टार्टर क्या होता है, कॉलम लाइन मार्किंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कॉलम लाइन मार्किंग किस तरह से करते हैं और कैसे उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे मैं पहले बताऊँगा बुर्जी। आप सब बार बार पूछ रहे थे कि बुर्जी क्या होता है। जो ये वो पॉइंट रहता है, ये जो ब्रिक मेजरिंग करते हैं, बुर्जी बनाते हैं, जैसे कि कोई भी आपका ये प्लिन बीम है, कॉलम मार्किंग है, उसको एक्सकावेशन करने से पहले, फुटिंग को एक्सकावेशन करने से पहले जो एक ग्राउंड सरफेस होता है उस पर आपको पहले चूना से मार्किंग करते हैं। चूना से मार्किंग करने के बाद उसको एक्सकावेशन किया जाता है, खुदाई की जाती है, प्रॉपर कॉलम की मार्किंग। जैसे कॉलम है, इसका प्लेस लेने के लिए कॉलम की जो जगह होता है, जो कॉलम का प्लेस होता है, उसको प्रॉपरली मार्किंग करने के लिए आपको कॉलम का मार्किंग करनी होती है। तो उससे पहले चूना, जैसे चूना वूना डालते हैं, उससे पहले आपको बुर्जी बनानी होती है ताकि आपका खुदाई हो जाए, खुदाई के बाद आप कॉलम की मार्किंग सही प्लेस में कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से ये बुर्जी बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से बुर्जी बना रहे थे ब्रिक मेजरिंग के अंदर। तो ये बुर्जी कैसे काम करेगी, देखिए, आपका प्लिन बीम, ये आपकी प्लिन बीम रहती है, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई रहेगी 9 इंच, जो भी आपकी ड्राइंग के अंदर बेस, जो आपकी ड्राइंग के अंदर होता है, 9 इंच की प्लिन बीम की विड्थ चौड़ाई रहेगी, और जो भी आपके ड्राइंग में मेंशन होता है, और सेम प्रोसेस ये रहेगा, 9 इंच बीम, प्लेन बीम या फिर आपकी वॉल उस बेस पर होता है, और आपकी 14 इंची की वॉल है तो 14 इंची की बीम प्रोवाइड करेंगे, अगर आपकी 9 इंची है तो 9 इंची वॉल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये कॉलम है आपका, एंड ये लास्ट वाला कॉलम है, ये रहता है ये वाला, तो उसके फेस में आप एक बुर्जी वहाँ बना देते हैं ताकि ये बुर्जी परमानेंट बुर्जी बनी रहे। उसके बाद प्लिंथ लेवल पे आपको मार्किंग मिल जाए, और एक्सकावेशन होती है जो खुदाई होती है, नीचे आपको कॉलम मार्किंग मिल जाए। ठीक है, जैसे कि आप फुटिंग तैयार करते हो, जो कॉलम का स्टार्टर मार्किंग आपके आउटर वाली मार्किंग है, जो मार्किंग आपको प्लिंथ बीम के ऊपर चाहिए, वही मार्किंग आपको खुदाई होने के बाद जो PCC करते हैं वहाँ पे मार्किंग चाहिए होती है इसकी। ठीक है, और जो आपकी फुटिंग का चौड़ाई होती है, जैसे 2x2 की फुटिंग हो गई, 3x3 की फुटिंग हो गई, वो आपके बेस से चले जाता है, लेकिन कॉलम आपको जो ऊपर चाहिए वही लोकेशन आपको नीचे चाहिए होती है। ठीक है, तो जैसे कॉलम आउटर वाला कॉलम है, और लास्ट वाला जो कॉलम रहेगा वहाँ से सेम प्लिंथ बीम ये रहती है, तो इससे हम मिनिमम 2 फीट या फिर 3 फीट या फिर 4 फीट, मिनिमम 2 मीटर आप सपोज कीजिए मार ले लेते हैं, ताकि जो उसकी खुदाई होती है मिनिमम 2 मीटर या 2 मीटर की होती है, तो मिनिमम 3 मीटर बुर्जी पीछे बना देंगे ताकि बुर्जी बच जाए और खुदाई हो जाए आपकी। ठीक है, तो उस बुर्जी से आपकी सेंटर लाइन मिलेगी, प्लिन बीम है इसका सेंटर ले लेंगे या फिर आउटर ले लेंगे, तो सपोज कीजिए हमने सेंटर पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ से, तो इस तरह से हमने ये कॉलम प्लिन बीम, ये आपकी चौड़ाई होगी 9 इंची, 9 इंची का हमारा सेंटर पॉइंट ये हो जाएगा, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा प्लिन बीम का, ये प्लिन बीम रहेगी, इसका सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये प्लिन बीम कैसे, ये कैसे पॉइंट आएगा, आउटर वाली वाल है, सपोज कीजिए वाला 0 पॉइंट है, फेस वाला फेस, आउटर फेस से मिनिमम 10 फीट की, 10 फीट पर हमें चाहिए सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 4.5x4.5 दोनों तरफ निकल जाएगा। उसके बाद ये साढ़े चार इंची है मिनिमम, यहाँ से 9 इंची आपका ये मिल जाएगा, ये आपका 4 इंची बाहर है, जो ये कॉलम की मार्किंग है 12x12 का है, 12x12 फीट का, तो आपका ठीक है, तो 12 में 9 इंची, तो 3 आपका 4.5 इंची इधर निकल जाएगा, बाकी आपका इधर निकल जाएगा फेस में, आउटर फेस 4.5 इंची। ठीक है, तो 4.5 इंची रहेगा। तो इस तरह से ये जो ब्रिक मेजरिंग करते हैं, कॉलम की लाइन मार्किंग करते हैं, उसके लिए पहले हम बुर्जी बना लेते हैं ताकि हमारी जो कॉलम के लोकेशन है वो मिल जाए। ये लाइन मार्किंग मिली आपको और लॉन्ग वाल के लिए, ये लाइन मार्किंग बुर्जी जो मिलती है लंबी वाल के लिए मिल गई, ऐसे लंबी वाली वाल हो गई। अब लेते हैं इस वाली वाल की बात, जो बुर्जी यहाँ पे बनाएंगे कॉर्नर पे, उसी से एक तो वाल इधर मिलती है और एक वाल की पॉइंट इधर मिलेगा। जैसे ये बुर्जी बनी हमारी ये वाली वाल के लिए, और इस वाली जो बीम हो गई, इस बीम के लिए हमारी बनाएंगे, जैसे वहाँ बनाते हैं, वहाँ पे दीवार है तो दीवार पे हमने मार्किंग कर दी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो फेस रहेगा, ये वाला फेस, ये आउटर फेस है 9 इंच का, ये वाली प्लिन बीम है, प्लिन बीम का आउटर फेस या अभी कॉलम का आउटर फेस, और जो बीच में देख रहे हैं वहाँ पे, जो बीच में देख रहे हैं वो अभी 9 इंच की चौड़ाई। उसके बाद स्टार्टर किसको कहते हैं, स्टार्टर आपका ये रहेगा, ये आपके एंगल का बना होता है, MS एंगल का बना होता है,
या फिर 40x40mm का बोल सकते हैं, या फिर 20x25x25mm का एच पर रिक्वायर्ड, ये 40x40mm का रहेगा मिनिमम 40x40 का रखते हैं ठीक है। और इसका जो साइज है अंदर से अंदर 9 इंची एंड बाई 12 इंच 24 इंच 12x24 इंची का ये स्टार्टर का है। तो स्टार्टर हम ये ऐसे ही लगा हुआ है, पर कॉलम का जो फ्रेम कॉलम का जो साइज़ है 12x12 इंची का रहेगा ठीक है। अगर आपके पास स्टार्टर डबल नहीं है तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो कॉलम का इस वाले कॉलम की मार्किंग जो करेंगे, इस वाली मार्किंग से हम डिस्टेंस जैसे इस वाला फेस, ये वाला फेस हम लेते हैं स्टार्टर का। और जैसे कि आज जैसे ही देख रहे हैं स्टार्टर को चेक करने से पहले पूनिया, ये वाला जो कॉर्नर है ये फिक्स रहता है, ये वाला जो स्टार्टर है फिक्स रहता है एंड सेकेंड इज ये भी फिक्स रहता है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अंदर अंदर साइज 24 इंच ये वाला 24 एंड ये 12 ठीक है। अब हमें यहाँ पे पॉइंट करना है, जैसे यहाँ पे एक बुर्जी बना देते हैं इसके लिए भी सेंटर पॉइंट, जैसे मैंने अभी दिखाया था इसका सेंटर पॉइंट रखेंगे। सेंटर से हम 4.5 इंची बाहर है, 9 इंची का ये बीम है, 9 इंची की बीम रहेगी तो 4.5 इंची हम बाहर वाले ले लेंगे, सेंटर पॉइंट हम ले लेना है नीचे कॉलम मार्किंग करने खुदिंग के लिए PCC पर। तो ये वाला जो फेस रहेगा स्टार्टर, ये वाला स्टार्टर रहेगा, इसका जो फेस रहता है हमारे पास स्टार्टर का जो फेस रहेगा ये आउटर तक लेते चले जाते हैं ठीक है। और जो ये वाला फेस रहेगा आपका आउटर वाला, ये कॉलम है सभी जो आप देख पा रहे हैं, जो ये सभी कॉलम है ये वाले एक लाइन में है, वन अलाइनमेंट, ये आउटर वाले अलाइनमेंट में है। तो इसमें क्या करेंगे, जो ये बुर्जी रहता है पॉइंट रहता है यहाँ पे, इस वाले फेस वाले जो बाहर वाला फेस है, इस वाले फेस से हमारा एक सीधा धागा बांध देंगे बिल्कुल सीधा वाले लास्ट वाले कॉलम पे इस वाले कॉलम पे सीधा धागा बांधने के बाद जो इनकी इनर से इनर डिस्टेंस होती है हमेशा यूज करना है स्टील टेप का यूज करेंगे। तो स्टील टेप आप यूज कर सकते हैं उसमें ठीक है, इसमें इनर टू इनर स्टील टेप यूज कर सकते हैं, इससे से कॉलम मार्किंग करती है। और जो ये पॉइंट रहेगा ये वाला लाइन एंड ये लाइन, ये गुनिया में रहनी चाहिए ऑलवेज, ये वाली लाइन आपकी लॉन्ग वॉल के लिए यूज करेगी एंड ये वाली जो लाइन यूज करेंगे शॉर्ट वॉल के लिए यूज करेंगे, शॉर्ट वॉल ठीक है। तो ये वाली लाइन शॉर्ट वॉल के लिए यूज करते हैं, तो दोनों तरफ गुनिया बन जाएगा, ये वाला प्लॉट का जो आपका जो प्लॉट है बिल्डिंग है ये गुनिया काम करेगा, ये वाला पॉइंट गुनिया काम करता है ठीक है। तो आप ये चेक कर ले कि गुनिया में है नहीं है। तो ये धागा लगाने से पहले कॉलम को स्टार्टिंग करने से पहले एंड जो लास्ट वाला स्टार्टर होता है उसको लगाने से पहले चेक कर लीजिए ये वाला आपको गुनिया में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये वाला धागा जो मिल रहा है जो आउट वाले फेस में वहाँ पर मिला लेते हैं ठीक है। तो स्टार्टर को हमेशा थोड़ा ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे जो ये बीच में हुआ है, स्टार्टर को अभी भी फिलिंग करना है तो फिलिंग करने से पहले स्टार्टर को आउटर ये वाले जो सरिया होते हैं वाले सरिया ये अंदर फिलअप होए, और जो बीच वाला है जो पोर्शन है ये बीच वाला खाली रहना चाहिए, उसके बाद जो सूखा सीमेंट होता है वो ऊपर से छिड़क दे, ये जो फिनिशिंग है ये ना रहे। इससे क्या होता है जो भी कॉलम और फ्रेम इसमें अंदर डालते हो वो क्रैक्स होने के चांस, ये जो जॉइंट होता है जॉइंट ये क्रैक्स होने का चांस रहते हो, वो कॉलम खुल जाता है ठीक है। और जो सरिया जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला जो सरिया है नीचे हमने क्या किया था, नीचे कॉलम के मार्किंग बिल्कुल सही की थी हमने, तो इससे हम सॉल्व करेंगे प्लम बॉम डाल देंगे नीचे, तो कॉलम जैसे नीचे से दिखाई देगा नीचे से कॉलम दिखाई देगा तो वहाँ बांध देंगे, तो फिर यहाँ पे धागा बांधने के बाद इसमें जो धागा बांधेंगे एक सरिया सीधा धागा बांधेंगे यहाँ पे टाइट करके धागा वहाँ पे सरिया बांधेंगे तो टाइट कर देंगे, वो धागा आपको क्या करेगा इसमें मार्क करेगा ठीक है। तो बस कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए, तो मिलते रहेंगे सर टेक्निकल वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।